बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल है तुम मेरी हो, राइटर है फातिमा। लाला रुख तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगी, वो इस पर चलाई तो किसने कहा था उनसे कि बीच रस्ते में लड़ाई करें। मैं तो समझी कि लड़का लड़की को तंग कर रहा है, मुझे क्या पता कि वो दोस्त हैं। इसने कंधे उसकाए, लाला रुख तुम अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। तुम्हें अगर लगा भी वो लड़ रहे हैं तो पहले कन्फर्म कर दी। ये क्या जाकर लड़के को थप्पड़ मार दिया? तुम यहाँ की बीसी नहीं लगी हो, जो किया तुम ने, क्या आप जाकर माफ़ी मांगो, वरना तुम जानो तुम्हारे काम। महक को इस पर इतना गुस्सा था कि इसके बस में होता तो इसे कत्ल ही कर देती। क्लास ख़त्म हो गई तो वे लोग हॉस्टल के लिए निकली ही थी कि लड़ाई देखी, फिर क्या जाकर लगा आई। महक के सर में दर्द था, वो क्लास नहीं ले सकी थी, तो अब लाला रुख ने एक और नदानी कर दी थी। इस लड़की ने मुझे आलियान शाह को थप्पड़ मारा और असद तुमने मुझे रोका क्यों? आखिर क्यों मेरा दिल कर रहा है मैं क्यों खुद को ख़त्म कर लूँ, सारी दुनिया को आग लगा दूँ? इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, हाथ में मौजूद फ़ोन दीवार पर दे मारा। गुस्सा था कि बढ़ ही रहा था। आलियान इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था और ऑफिस की हालत देखने लायक नहीं थी। वो इतने गुस्से में था कि जो चीज़ सामने आई अब वो अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं थी। इसकी आँखें इतनी लाल थी जैसे अंगारे। मुझे अभी के अभी उस लड़की का एड्रेस पता करके बताओ, असल में उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आलियान प्लीज़ रिलैक्स, मैं सब पता कर दूँगा। आप ही कितनी बार कॉल आ गई है, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करूँगा, मैं जो बकवास कर रहा हूँ समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे पता कर दो उस लड़की का, वो गुस्से से चलाया, गुस्से से पागल हो रहा था। असद को अब आने वाले वक्त से डर लग रहा था। उस लड़की को आलियान शाह किसी भी सूरत माफ़ नहीं करने वाला था। लाली तुम्हें जो कुछ लेना है आज ही ले लो। वो दोनों इस वक्त सुपर मार्केट आई थी। लाली ने जीन्स के साथ वाइट चिकन का कुर्ता पहना हुआ था, बालों की पोनी टेल बेतहाशा गोरी रंगत के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। यह मैं तो थक गई और कुछ खा ले पहले, मैं को हर वक्त बस खाने की पड़ी रहती थी। हाँ चलो तुम मर ही ना जाओ कहीं भूख से, लाली ने कहा और जल्दी। रेस्टोरेंट के मखसूस माहौल में लाली कोफत का शिकार थी। लाली ने चकवाल के लिए निकलना था और लाली का अगले हफ्ते निकाह था, इसलिए वो काफ़ी परेशान थी। वेटर को दो कोल्ड ड्रिंक और सैंडविच का ऑर्डर देकर महक पूरी तरह इसकी जानब मुतवज्जा हो गई थी। लाली तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, तुम्हारा निकाह ऐसे बंदे के साथ हो रहा है जिसे तुमने देखा ही नहीं? नहीं मुझे लाला दादाजी दादू पर यकीन है, इन्होंने अच्छा ही फैसला किया होगा। बाजार बहुत आम से अंदाज में इसने जवाब दिया, मगर अंदर ही अंदर खुद भी काफ़ी डरी हुई थी। फिर भी यार तुम्हें एक बार देखना चाहिए था, महक को भी अपने होने वाला बहनोई ना देखने का अफसोस था। अगर वो गुस्से वाला हुआ तो तुम क्या करोगी, उस दिन की तरह भाई को भी थप्पड़ मार दोगी? महक ने बहुत मासूमियत से पूछा, आंखों में शरारत साफ नज़र आ रही थी। लाली ने इसे गुस्से से घूरा, बकवास ना करो, बस गलत फहमी हुई थी, वापस आकर इस बंदे को तलाश करूंगी और माफ़ी मांग लूंगी। वो अपनी उंगलियां एक दूसरे में पवस्त करते हुए बड़ी लाचारी से बोली थी। हाँ वो तुम्हें जैसे माफ़ी कर देगा ना। वेटर के लाए कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में से एक उठाते हुए बड़ी जोश से बोली, तो ना करे मेरी बला से, चलो जल्दी करो वापस भी जाना है। लाली ने बात ख़त्म की। लाला ने गाड़ी बेच दी थी, वो नहीं इसके थे, वहाँ भी बहुत से काम करने के लिए थे, पर गाड़ी अचानक ही रुक गई। क्या हुआ बाबा, गाड़ी क्यों रुक गई? रोक दिया आपने, जहाँ गाड़ी रोक दी थी वो जगह भी काफ़ी सुनसान थी, दोपहर का वक्त था, रास्ता भी वीरान सा, बस है गाड़ी को भी अभी ही ख़राब होना था। महक बिटिया गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया है, आप लोग फिक्र ना करो, मैं छोटे साहब को फ़ोन करता हूँ। उफ यार अब क्या करूँ, लाला तो इस वक्त नहीं आ सकते हमें लेने, वापस हॉस्टल नहीं जा सकते इस वक्त, लाली ने फिक्रमंदी से कहा। इतने में बाबा भी आ गए, बेटा साहब से मेरी बात हो गई है, अभी कुछ टाइम में साहब का दोस्त चकवाल जा रहा है, आप लोगों को भी साथ ले जाएगा। महक और लाली ने एक दूसरे को बेयकीनी से देखा, लाला कब से किसी पर इतना यकीन करने लगे? मैं लाला से बात करती हूँ, बाबा को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। महक ने जल्दी से लाला को फ़ोन किया, जी जी ठीक लाला जी, हम बिल्कुल कम नहीं करेंगे, चले आकर बात होती है। क्या कहा लाला ने, लाली ने बेजारी से इधर उधर देखा, इसे सब कोफत हो रही थी इस सुनसान वीरान सड़क पर, दिल भी बहुत घबरा रहा था, बेचैनी सी हो रही थी जैसे कुछ बहुत अजीब होने वाला हो। यार कोई जानने वाला है लाला का, कह रहे हैं कि अभी आने वाला होगा, उसके साथ आ जाओ। महक ने बेनियाजी से कहा, दोनों सोच रही थी कि अभी पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा कि अचानक ब्लैक सुजुकी उनकी गाड़ी करीब आके रुकी। चलो शुक्र आ गए, महक चेक कर बोले, फिर जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। लाली भी गाड़ी में आकर बैठ गई, ओ थैंक गॉड आप आ गए, वरना हम तो सोच रहे थे आज का दिन सुनसान सड़क पर ही गुजरनी पड़ेगी।
महक हंसने आदत नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई, इसलिए मैं जल्दी आपको लेने आ गया, आलियान गंभीर आवाज़ में बोला। लाली की नज़र बेख्तियारी सामने उठी। डार्क ब्लू जीन्स, नराउंड रंग की हाफ स्लीव टी शर्ट में मौजूदा बंदा बहुत हैंडसम लग रहा था। आलियान ने मुड़कर एक नज़र दोनों को देखा। महक से नज़र होकर जैसे ही लाली पर गई, लाली ने भी नज़र उठाकर देखा। क्या कुछ नहीं था अगले बंदे की आंखों में? गुस्सा, नफरत, बेहिसी, आंखों ही आंखों में वो इसे मार देना चाहता था। आपसे मिलकर खुशी हुई। आलियान को अपनी गलती का एहसास हुआ। एकदम आगे मुड़ा। मुझे भी, मैं महक और ये लाली। ओ तो ये है लाली, वाह किस्मत ने क्या खूब वार खिलाया है, अब आएगा मज़ा। वो दिल में सोच कर बहुत खुश हुआ। किस्मत ने खुद इसका साथ दिया था, अब अगला बार इसे भी बहुत सोच कर करना था। अब बुरा ना माने, आगे आकर बैठ जाए, मुझसे ऐसे ड्राइव नहीं होगी, इसने मोड़कर लाली को कहा। नचार लाली को आगे आकर बैठना पड़ा। अब की बार लाली ने देखा वो बिल्कुल रिलैक्स था। लाली को लगा इसे गलतफहमी हुई थी, इसने इसे नहीं पहचाना। मुझे वॉशरूम जाना है, महक को सफ़र में वॉशरूम जाने की शुरू से आदत थी, मगर आज लाली को इस पर गुस्सा आया। वो बस किसी तरह घर जाना चाहती थी। जी मुझे मेहरान लाला बता चुका है कि मेरी एक बहन सफ़र में बहुत तंग करती है, आगे एक होटल है वहाँ रोक दूँगा। आप हो आए? जी नहीं लाला, इसे कभी नहीं कह सकते। महक को एक अनजान बंदे से इसी बात बहुत बुरी लगी, मगर वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रोक दी गई। वो भाग कर गाड़ी से उतरी, इसे लाली का भी ख्याल नहीं रहा। लाली भी उतरने लगी कि अचानक इसका हाथ किसी के हाथ में था, इसकी जान ही जैसे निकल गई। गुस्से से मुड़ी, ये क्या बदतमीजी, हाथ छोड़े मेरा। अगला बंदा अब भी सुकून से बैठा था, चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अच्छा ऐसी हाथ से मारा था ना मुझे, तब तमीज़ और बदतमीज़ी नज़र नहीं आई थी। आह कम वक्त को याद है सब, वो दिल में सोच कर रह गई, मगर अब अपने को मजबूत ज़ाहिर कर रही थी। हाँ तो मैं बता चुकी हूँ, मुझे गलतफहमी हुई थी। वाह मिस लाली, गलतफहमी हुई थी, चलो मान लिया, मगर एक माफ़ी का लफ्ज़ भी कहे बिना चली गई थी। क्यों? देखे मिस्टर, पहली बात तो ये है कि किसने कहा था कि मैं रस्ते में मुज़ाकरात कर, मुझे तो ठीक लगा यूँ। दूसरी बात, मेरा नाम लाला रुख है, मुझे मुझे आइंदा लाली कहने की गलती मत कीजिएगा। और आखिरी बात, मेरा हाथ छोड़े, इसने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालना चाहा, मगर अगला बंदा भी अपने नाम का एक ही था। बजाय हाथ छोड़ने के गिरफ्त और भी मजबूत की, और करीब होकर बहुत पास होकर पहले एक हाथ से लाली के बाल कानों के पीछे किए। लाली इसकी जरूरत पर गम और गुस्से में आ गई। पहली बात, मिस्टर नहीं आलियान, माफ़ी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी हर हाल में, याद रखना। दूसरी बात, मेरे लिए तुम लाली ही रहोगी हमेशा, यह हक तुम नहीं ले सकती। तीसरी बात, ये हाथ कभी छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, समझी? वो अभी कुछ कहने ही लगी थी कि महक को आते हुए देख लिया। आलियान ने भी अपना हाथ बिना महसूस के छोड़ दिया और पहले की तरह संजीदा होकर बैठ गया। लाली देखती रह गई। लाली मैंने तुम्हें इतना तलाश किया, तुम अंदर क्यों नहीं आई? आपकी दोस्त से कहा भी, मगर ये कहने लगी आ जाएगी, मुझे नहीं जाना। लाली इतने झूठ पर सिर्फ दिल में बुरा भला कह सकी। फिर पूरा रास्ता महक और आलियान ने बातें की। लाली वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। मिलाकर सफ़र तमाम हुआ। लाली ने शुक्र की सांस ली। घर में लाला दाजी दादी मामा पापा भाभी से मिली जैसे 100 साल बाद मिल रही हो। अभी वो ठीक से खुश भी नहीं हो सकी थी कि वो जालिम भी आ गया और आते ही भाभी के गले लग गया। हैरान से देखने लगी लाली, ये है मेरे भाई आलियान। लाली बेहोश होने लगी थी, ये क्या मजाक जिंदगी ने खेला है इसके साथ, नहीं ये कैसे हो सकता है। लाली आली भाई, पूरा रास्ता आपने इस बात की हवा भी नहीं लगने दी। महक को तो जैसे यकीन ही नहीं आया। यकीन को तो लाली को भी नहीं आ रहा था। क्या मतलब, आली ने तुम लोगों को नहीं बताया? भाभी ने हैरानगी से पूछा। नहीं आप ही, मैंने अच्छा नहीं समझा, मैं नहीं चाहता था कि ये रोल रिलैक्स फील ना कर सके। हाँ अच्छा किया, वैसे कैसी लगी मेरी नत, और मैं आपको क्यों बताऊँ? हाँ। अच्छा तो बात ये, अब ये बात है, लाली का दिमाग इस टाइम काम नहीं कर रहा था, जल्दी से अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर कोई ऐसा मौका मिल ही नहीं रहा था। सब लोग जैसे ही इधर उधर हुए, लाली भी उठ गई। कहाँ जा रही हो मिस लाली? वो एकदम से इसके सामने आ गए, इसका हाथ पकड़ कर एक तरफ हुआ जहाँ से आने वाला नज़र आ सकता था, मगर आने वाले को वो लोग नज़र नहीं आ सकते थे। मेरा हाथ छोड़े, समझ क्या रखा है खुद को, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अच्छा वो तो पता चल ही जाएगा। और क्या कहा था तुमने, माफ़ी नहीं मांगोगे? अब जिंदगी के हर लम्हे माफ़ी मांगती रहोगी तुम, याद रखना, पल पल जियोगी, पल पल मरोगी। लाली तुम कितनी खुशकिस्मत हो, आली भाई जैसा बंदा मिल गया है। महक बहुत खुश थी अपनी दोस्त जैसी बहन के लिए।
महक तुम्हें पता है वो बंदा कौन है? हाँ पता है, मेरी बहन का होने वाला शोहर। महक तुम्हें याद है मैंने एक बंदे को थप्पड़ मारा था? लाली ने उसकी बात नज़रअंदाज करके पूछा। हाँ याद है, पर लाली यार इस टाइम मैं वो फजूल बातचीत मत करो। महक जानती हो वो कौन था? वो बंदा, वो आलियान था। है क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? महक को उछल गई अपनी जगह से। वो नहीं, ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर लाली ने सारी बात बता दी जो इन लोगों के दरमियान हुई थी। महक तो कुछ पल कुछ बोल ही ना सकी थी। अब क्या हो गया आलियान भाई? अब पूरी दुनिया तुमसे बदला लेंगे, हम अब क्या करेंगे? मैं खुद नहीं जानती यार, परसों मेरा निकाह है, पर फिर वो मुझे पल पल मारेगा। हम ये बात किसी से नहीं कह सकते, वरना थप्पड़ वाले मामले सुनकर हमें घर भटका देंगे और बेइज्जती लग, और निकाह भी लाजमी होगा। वो दोनों लॉन में बैठे थे। हेलो, क्या हो रहा है? मैंने आप लोगों को तंग तो नहीं किया ना? वो क्या है ना, मैं बोर हो रहा था, तुम लोगों को देखा यहाँ चला आया। आर्यन मज़े से आकर इन दोनों के दरमियान बैठ गया। कैसी बातें कर रहे हैं अली भाई, आपका अपना घर है, जब चाहे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। मैं को कुछ तो कहना ही था, हालांकि इस वक्त अली का अंदाज जहर ही लगा था दोनों को। महक हंस अंदाज जा रही हो? लाली जैसे ही उठने लगी अली एकदम बोल फिरा, लाला रुक, मुझे आपसे बात करनी है। महक अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज़ एक कप चाय बना कर ले आए। महक जाना तो नहीं चाहती थी, पर जाना तो था। इसे अकेले लाली को छोड़ना इसे अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मजबूरी थी। हाँ तो लाली कैसी हो तुम? बहुत खूबसूरत हो तुम, इतनी के देखने वाला देखता रह जाए। बहुत गौर से देख रहा था। लाली को इसके यूँ देखने से उलझन होने लगी थी, मगर तुम्हारी ये खूबसूरती मेरे किसी काम की नहीं। मैं तो बस बदला लेना चाहता हूँ तुमसे, बहुत से लोगों के दरमियान तुमसे शादी, अब मेरा इंतकाम है। तैयार रहना, परसों शाम तुम मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी। वो उठा लाली की कुर्सी के सामने रुका, इसके हाथ से कप ली और चाय पर और घास पर गिरा दी। लाली के वालद की वफात इसकी पैदाइश से पहले हो चुकी थी। माँ भी कुछ अरसा ही वफा कर सकी। फिर लाली को इसकी ताई ताया दाजी दादू ने बहुत लाड़ से पाला था, जिसे कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई थी। महक, लाला, भाभी सभी इसका बहुत ख्याल रखते थे। आलियान सारा भाभी का भाई था। शादी में क्योंकि नहीं आ सका था, इन दिनों वो अमेरिका में था, आखिरी सेमेस्टर चल रहा था, तो वो ना आ सका। सारा भाभी को लाली बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने अपनी अम्मी अब्बू से बात की। आलियान भी वैसे भी शादी की जिम्मेदारी अम्मी पर छोड़ रखी थी। आलियान अमेरिका से वापस आया, ऑफिस के कामों में मसरूफ हो गया। एक दिन असद ने फ़ोन करके यूनी आने को कहा, और वहाँ प्रोफेसर था। नादिया भी इसकी दोस्त थी, असर और नादिया की लड़ाई हुई थी। आलियान वो मसला हल कर रहा था कि लाली ने देख लिया, गुस्से में जाकर एक लगाई लाली को, अगर असद रोकना देता तो इसका कत्ल कर चुका होता। अब फक्के किनारों से रोशनी सब रवि से तुलू हुई तो आंगन की दीवारों से लिपटी तरीकी ने हड़बड़ा कर अपना आंचल समेटा, उजाले की चादर में छुप गई। इसने आंखें खोली और कसमस का करवट बदली। आज पूरी रात वो सुकून से नहीं सो सकी थी। आज इसकी ज़िंदगी का एक खास दिन था, क्या नहीं सोचा था इस दिन के लिए इसने, मगर आज सारे ख्वाब जरा जरा हो गए थे। वो आज इस शख्स की ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी जो इससे बेहद नफरत करता था। कैसे गुजारेगी ज़िंदगी ऐसे इंसान के साथ जो पल पर इसे नफरत करेगा? तुम उठ गई लाली? महक ने इसके कमरे पर के पर्दे बराबर किए तो दरवाजे की रोशनी ने लाली को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। महक जानती थी वो किस कर्ब के किस हसीयत से गुजर रही है इस वक्त। वो खिड़की से हटकर इसके पास बेड पर आकर बैठ गई, इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर अपने होने का एहसास दिलाया। लाली ने मुस्कुरा कर इसे देखा। मैं जानती हूँ लाली, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मगर मुझे आने वाले वक्त पर यकीन है, वो तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा होगा। अभी से सोच कर खुद को परेशान मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लाली ने इसका हाथ अपने हाथ पे रख दिया और मुस्कुराई और वॉशरूम चली गई। नकाब 5-स्टार होटल के पोल साइड पर अरेंज किया था। लाली आतिशी गुलाबी रंग के नफीस और खूबसूरत सफ़ेद कढ़ाई वाले मैक्सी हक्का में हल्का मेकअप किए बहुत खूबसूरत और मुख्तलिफ लग रही थी। ब्लैक पैंट और ग्रे शर्ट पर ग्रे टाई और ब्लैक बास्केट पहने आलियान भी काफ़ी डिसेंट और सोबर लग रहा था। दोनों की जोड़ी चांद सितारे की मिसाल लग रही थी। अभी कुछ टाइम पहले ही दोनों का निकाह हुआ था, अभी दोनों को साथ लाकर बिठाया गया था। मुबारक हो मिसेज आलियान, लाली ने नज़र उठाकर इसे देखा। इसकी नज़रों में आज भी पहले दिन की तरह नफरत थी। तुम दोनों एक दूसरे को बाद में जी भर कर देख लेना, पहले मंगनी की रस्म अदा कर। सारा भाभी ने दोनों के एक दूसरे से ऐसे गुम देख कर शरारत से कहा, आहा कितनी जालम बहन हो, सारा जी भर कर देखने पर बंदी लगा रही हो। वो एकदा से मुस्कुराया और अपना बायां हाथ लाली के कंधे पर रख कर इसे खुद से और करीब कर लिया।
प्लीज़ ये क्या कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। वो काफ़ी पजल हो रही थी, ऊपर से इतने लोग देख भी रहे थे। अपने आप को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी, मगर मुकाबला भी अपने नाम का एक ही था। इसने गिरफ्त और सख्त करी और अपना चेहरा इसके करीब लाकर बोला, तो देखने दो, दुनिया वालों को पता चले आलियांश अपनी बीवी से कितना प्यार करता, ताकि कल को जब तुम अपने पर होने वाले जुल्म का जिक्र करोगी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। इतना प्यार करने वाले शोहर इतना के जालिम कैसे हो सकता है ना। इसके चेहरे पर दिल फ्रेर मुस्कुराहट थी। दूर से देखने वाले लाली को किस्मत पर रक्ष कर रहे थे। लाली बेबसी की मिसाल बनी हुई थी। तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची, अब घर वापस जाना था। महक पास आई लाली को साथ ले जाने के लिए। चलो लाली, हम लाला की गाड़ी में जाएंगे। आली भाई, आपकी इजाज़त हो तो हम अपनी बहन को ले जाएँ क्या? वो इशारा से बोल रही थी। वो देख रही थी आली भाई बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। वो लाली की तरफ से मुतमिन थी। आली ने अब भी लाली का हाथ पकड़ा हुआ था, बहुत खुश दिली से मुस्कराया। हाँ क्यों नहीं, अगर आपकी इजाज़त हो तो गाड़ी तक अपनी जोजा मोहतरमा को ले जा सकता हूँ। वो बहुत अदा से मुस्कराया, क्यों नहीं, ज़रूर ले आए। वो मुस्करा कर चली गई और अब इसकी तरफ मुड़ा। चलो उठो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाओ। वो इसके कदम के साथ कदम मिलाकर चल रही थी। अचानक आली ने अपना हाथ इसके हाथ से हटा दिया। चंद कदम चलने के बाद किसी सोच के तहत वो रुका और जो अपने ख्याल में आ रही थी देख भी नहीं सकी थी। आलियान ने अपना पाँव इसके पाँव के आगे रखा। वो धड़ धड़ करते दिल के साथ यूं ही सर झुकाए चल रही थी, धड़म से नीचे गिर गई। सब भाग कर आए। आलियान इसे हाथ से पकड़ कर उठाया। ओहो, तुम्हें लगी तो नहीं दुनिया जहाँ की फिक्रमंदी चेहरे पर सजाए वो इसे देख रहा था। लाली का दिल क्या वो चीख चीख कर सबको इस मकार आदमी की असलियत बता सके, मगर वो ये सब नहीं कर सकती थी। इसका कोई यकीन नहीं करने वाला था। इस आंसुओं से आँख भरी आँखों से इसने उस जालिम को देखा था। कितना गिला था इन आँखों में। एक पल के लिए तो शर्मिंदा हुआ, मगर अगले लम्हे इसने ये ख्याल झटका, वो इस लड़की से हारना नहीं चाहता था, मगर वो हार गया था। इस लम्हे इस लड़की से जिससे इससे बेपना नफरत थी, वो इसे ही देख रही थी। वो लाली के करीब हुआ, इसकी आँखों से निकलने वाले आंसू को देखने लगा और बेरहमी से इसके बाजू पर जोर डाला। कहा था ना, मैं पल पल जियोगी, पल पल मरोगी तुम, ऐसे ही दुनिया के सामने गिराऊंगा और सहारा भी दूंगा, मैं ही दूंगा, बेदर्दी से कहकर चला गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? असद एक जो एक काल पर आलियान के ऑफिस भागा आया था, सब कुछ सुनकर सकते में चला गया। आलियान कल रात ही वापस लाहौर आ गया था। इसने असद को फ़ोन करके ऑफिस को एक सरप्राइज़ देने के लिए बोला था। सारी बात सुनकर असद को इस लड़की से दिल से हमदर्दी महसूस हो रही थी। वो अपने दोस्त के जुनूनी तबीयत से वाकिफ था और अपने दोस्त को दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करता था। देखो आली, जो हुआ उसे भूल जाओ, इतनी ही ज़िंदगी तुम्हारी मुंतजी रहे। इंतकाम के चक्कर में आकर अपनी और भाभी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अभी वक्त तुम्हारे हाथ में, क्या पता कल तुम उस वक्त के फिर से लौट आने की दुआ करो। असद इसे हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन अपनी कुर्सी से उठकर असद के सामने वाली कुर्सी पर बैठा और नाराज़गी से असद को देखने लगा। देख, शुरू हो गई ना तुम्हारी बकवास, मैं इस टाइम कोई भी फजूल बात नहीं सुनना चाहता। मेरी दोस्त हो, मेरी खुशी को मेरे साथ दिल से मनाओ। चलो उठो, आज अच्छी सी जगह तुम्हारी पसंद खाना खाते हैं। असद ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था, आलियान ने एकदम से हाथ बढ़ा गई, इसे बोलने से रोका। असद भी चुप हो गया, अपने दोस्त को मजीद कुछ कहकर खफा नहीं कर सकता था। हाँ, इसे दिल से आली से हमदर्दी महसूस हो रही थी। लाली और महक यूनी के ग्राउंड में बैठे नकाब की तस्वीरें था, वो मजीद किसी को परेशान नहीं कर सकती। जो हुआ वो इसकी किस्मत में लिखा गया था। आ लाली, ये देखो इस तस्वीर में तुम और भाई कितने अच्छे लग रहे हो। लाली अपने ख्याल में गुम थी, एकदम से घबरा गई। हाँ क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब, तुम अभी तक मेरी बातें सुन नहीं रही थी? मैं पागलों की तरह लगी हुई हूँ। महक ने नाराज़गी से लाली को देखा। अभी नहीं, वो यार सुन ही तो रही हूँ तुम्हें। लाली ने झूठ कहा, वो कभी से सुन रही थी, वो तो अपनी ज़िंदगी के उस तलख हकीकत के बारे में सोच रही थी। जैसा भी था, आलियान लाला रुक के दिल का मकीन बन गया था। ये सब किसे कब हुआ इसे खुद भी नहीं पता चला। अब महक कुछ कहने ही वाली थी कि लाली का फ़ोन बज उठा। नंबर कोई अनजाना था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो जोजा मोहतरमा? मैं 10 मिनट में तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना, मगर मैं नहीं आ सकती। लाली ने भी कोई लिहाज रखे बिना जवाब दिया। कौन है लाली? महक ने पूछा तो वह महक को भूलने लगी। फ़ोन साइड पर करके बताया, आलियान है। महक जो इसे ही देख रही थी लाली का नाम सुनकर जल्दी से फ़ोन इसके हाथ से ले लिया। सलाम भाई, कैसे हैं आप? आप लाली को लेने आ जाए, मैं इसे तैयार करती हूँ, तब तक ठीक, बाय। महक, तुम होश में तो हो? मैं कहीं नहीं जा रही, अभी फ़ोन करके मना करो, समझी? लाली ने चलाकर गुस्से में कहा। अब ज़्यादा फ्री ना हो, हॉस्टल चले, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नहीं जाऊँगी। तुम जाओगी समझी, मगर
बस बस अब ज़्यादा नखरे ना दिखाओ, भाई नाराज़ हो जाएंगे। प्लीज़ लाली, तुम्हारा और भाई का रिश्ता बहुत नाजुक है, उन्हें बुरा भी लग सकता है। महक ने इसे प्यार से समझाया, लाली को इसकी बात माननी ही पड़ी। रेस्टोरेंट के मखसूस माहौल में मिस लाली इंतहाई कोफत का शिकार थी। वो आ तो गई थी मगर सामने बैठे बंदे से इसे भी कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं थी। पूरा रास्ता वो खामोश रहा था और अब भी वेटर को ऑर्डर देकर वो पूरी तरह इसकी तरफ मतवजा हो गया था। लाली ने इसे अपनी तरफ देखता पाकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। फिरोजी रंग के सूट में वो इसे अपने दिल के बहुत करीब लग रही थी मगर वो दिल की बात पर कान बंद किए बैठा था। इस लड़की के सामने हारना नहीं चाहता था, मर कर भी नहीं। इसे अपनी अना बहुत प्यारी थी। लाली ने आज फैसला किया था वो हर हाल में आलियान से माफ़ी मांगेगी। वो पूरी जिंदगी इसकी नफरत के साथ नहीं जी सकती थी। आलियान मुझे आपसे कुछ कहना है। वो अब भी कुछ नहीं बोला और बस आज इसे जी भर कर देखना चाहता था। इसकी खामोशी को रजामंदी समझ कर लाली ने बात का आगाज़ किया। इधर उधर इतने लोग नहीं थे, आलियान ने इसी जगह का इंतखाब किया जहाँ माहौल काफ़ी पुरसकून हो। वेटर इनके लिए खाना ले आया, अब वो सर्व कर रहा था। लाली भी खामोश हो गई। वेटर खाना लगाकर चला गया। लाली ने फिर से बात का आगाज़ किया। वो अब इसे ही देख रहा था। लाली पजल हो रही थी मगर आज इसे बात करनी थी हर हाल में। आप मेरा यकीन करें ना करें, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझसे वो सब जज्बात में आकर हुआ। आप मुझे जो सजा दी मुझे मंजूर है मगर मुझसे नफरत मत करें, मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो साथ रो भी रही थी, वो कभी इतना बेबस नहीं हुई थी जितना वो इस बंदे के सामने हो गई थी। आलियान इसे देख कर ज़ोर से हंसा, जैसे इसने बहुत फ़नी बात की। लाली के रोने में और तेज़ी आई। तुम या तो बहुत चलाक हो या बहुत बोली, वो अपना चेहरा इसके करीब करके बोला। लाली को इसकी बात पर अलग आग ही लग गई थी। दिल क्या दो हरफ बेजो चली जाए यहाँ से, मगर सामने बैठा बंदा अब इसके दिल खोना नहीं चाहती थी। लाली के माथे पर चिपकी गिली लट अपनी अंगश्त शहादत पर लपेटते हुए वो इसके और करीब हुआ और अपना रोना भूल कर घबरा कर इधर उधर देखने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं ना? प्लीज़, आलियान ने गौर से इसे देखा, फिर ज़ोर से धक्का दिया। वो कुर्सी से गिरते गिरते बजी। मुझे पागल समझती हो तुम? इसे इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? नहीं, कभी भी नहीं। वो चलाया इसके पास। लोग भी इसकी आवाज़ से मतवज्जा हुए मगर इसे जैसे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। वह इससे ज़्यादा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी, उठकर बाहर को भागी। इसे अपने इर्द गिर्द की परवाह नहीं थी। आलियान इसे भागते हुए होश में आया, इसके पीछे भागा मगर वह शायद बहुत देर हो गई थी। वो इतनी तेज़ी से होटल से निकली कि सामने से आती हुई गाड़ी नज़र ना आ सकी। लाला रुक रुक जाओ, वो चलाया पागलों की तरह मगर अब कोई फ़ायदा नहीं रहा। आलियान हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा आज जिंदगी में पहली बार खुदा से कुछ मांग रहा था, रो रहा था। वो आज इस लड़की के लिए जिससे भी इंतहा नफरत करता था मगर नहीं, वो इसे कभी नफरत नहीं कर सका था। वो तो इसे दर्द देकर खुद बेसकून हो जाता था। इसे तो इससे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी, ना कि दीवार आ गई थी दरमियान में। वो तो बस इसकी थी। मेरे खुदा प्लीज़ मुझसे मेरी लाली वापस कर दे, मैं वादा करता हूँ मैं खुद से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखूँगा, मैं मर जाऊँगा उसके बिना, मुझे माफ़ कर दे। मेरे परवरदिगार, मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ आपका, मुझे माफ़ कर दे, मुझे बस लाली दे दे। वो रो रहा था, सजदे में इसका सर था। वो अपने रब से अपना प्यार, अपनी ज़िंदगी वापस मांग रहा था। आलिम भाई, लाली को होश आ गया। महक भाग कर आई। इस वक्त लाली के पास महक और आलियान ही थे, बाकी लोग अभी रस्ते में थे। आलियान के सारे कपड़े खून से भरे हुए थे। महक का भी रो रो कर बुरा हाल था। आलियान को लगा इसे फिर से अपनी ज़िंदगी मिल गई हो, अब वो कभी भी इसे दूर नहीं जाने देगा। लाली को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, सभी इससे मिल आए मगर वो इसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो अभी तक बाहर ही था। महक अभी भी अंदर से होकर आई थी और आकर इसके पास कुर्सी पर बैठ गई। आलियान इसे इसकी खैरियत का पूछ रहा था। महक ने एक नज़र इसे देखा और फिर से सामने दीवार को देखने लगी। मुझे मालूम है आप मुझसे लाली की खैरियत जानना चाहते हैं मगर मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद देखा है। हो सकता है वो अब भी आपके आने का इंतज़ार कर रही हो। अब खुद को और इसे अजियत मत दें भाई, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। पुरानी बातें भूलकर नई आने वाली ज़िंदगी को यादगार बनाएं। वो अपनी बात ख़त्म करके चली गई। अब वाकई इसे और इंतज़ार नहीं करवाना था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वो सामने सफ़ेद कपड़ों में बेड पर आंखें बंद के लेटी थी। शायद वह गुनूदगी में थी। वह चल के इसके पास आया, उसके माथे पर बोसा दिया, इसके बेड पर ही बैठ कर इसका हाथ थाम लिया। लाली, मैंने बहुत बुरा किया ना तुम्हारे साथ, मगर तुमने क्या किया बदले में? अपनी जान की परवाह भी ना की, वो सोच भी कैसे लिया तुमने? तुम्हारा आलियान तुम्हें हारे बिना जिंदा रहेगा, हाँ जवाब दो। वो इसका हाथ पकड़े रो रहा था। लाली ने आंखें खोली। सामने बैठा शख्स इसे खुद से बढ़ के अजीज था। इसे आप क्यों रो रहे हैं? प्लीज़ मत रोएं। आली ने सर उठाकर देखा, वो जाग रही थी। मैं मानती हूँ गलती मेरी थी, मुझे माफ़ी उसी टाइम मांग।
आली ने उंगलीस की होंठों पर रख दी। बस अब और कुछ नहीं। वह वक्त गुजर गया, हम अब उस पर कभी बात नहीं करेंगे। हम कोई भी उस बात याद नहीं करेगा जिससे हमें तकलीफ हो। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी। अब आज दिल से इतराफ करता हूँ, मैं लारा के बिना नामुकम्मल हूँ। मुझे मुकम्मल कर दो ना लाली। इसने बराह रास्त इसकी आंखों में देखा जहाँ मोहब्बत का एक जहान आबाद था। लाली ने शर्म से आंखें नीचे झुका ली। आज वो आलियान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही। प्लीज़ आलियान, इसे ना देखने में पजल हो रही हूँ। वो आकर इसकी नज़रों के पैगाम से घबरा गई। आलियान थोड़ा सा करीब हुआ और शरारत से इसे देखने लगा। तो आलियान की जान फिर कैसे देखूं, तुम ही बता दो। वो अभी इसे ही नहीं देख रही थी। मुझे नहीं पता, वो शर्मा कर बोली। तो आली ने इसे अपने साथ लगा लिया और इसके कान में सरगोशी थी। तुम मेरी हो, बस मेरी।